हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए नाश्ता, वो भी बिना ऑयल के, बहुत ही यूनिक नाश्ता। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन का नाश्ता, और इसमें हम थोड़ा सोयाबीन को अलग ट्विस्ट देकर बनाएंगे। आप इसको स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। तो गाइस, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए कुछ दोस्तों, शुरू करते हैं अपना नाश्ता बनाना। तो गाइस, हमें इस नाश्ते बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है सोयाबीन की। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 100 ग्राम तक सोयाबीन ले लिया है। अब इसको हम पानी में डालकर उबलने के लिए रख देंगे। तो गाइस, हमने अपने सोयाबीन को पानी में उबलने के लिए रख दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे हमें 10 मिनट तक की ऐसे ही रखना है, ताकि ये सारा पानी सोख ले और ये अंदर से मुलायम हो जाए। गाइस, पानी में रखने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो सोयाबीन होते हैं वैसे बहुत हार्ड होते हैं, अगर हम इनका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो ये खाने में अच्छे नहीं होंगे और ऐंठ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे फूलने के लिए रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी कुक होंगे और गैस की बचत भी होगी। तो गाइस, आप भी इसको फूलने के लिए रख दीजिए। तो गाइस, जब तक हमारे सोयाबीन फूल रहे हैं तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमें एक बाउल में 4 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालना है। तो गाइस, हम 4 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बाउल में लेने के बाद थोड़ा सा चला लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खटाई। हम एक छोटा चम्मच खटाई डालेंगे, ज़्यादा खटाई नहीं डालेंगे, बस बस। गैस, अब इस खटाई को अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि आपस में मिल जाए। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी मिर्चा। तो गैस, हम इसमें डालेंगे काश्मीरी मिर्चा 1 बड़ा चम्मच। अब इसको हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाटर। अब इसको अच्छी तरीके से इसका स्मूथ घोल बनाना है। थोड़ा सा वाटर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। शुरुआत में पूरा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे, इससे हमारे डो में लम्स नहीं पड़ते हैं और हमारा डो बहुत ही स्मूथ होता है। तो गाइस, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बस बिल्कुल ज़रा सा पानी, क्योंकि हमारे सोयाबीन में भी पानी होगा, इसीलिए हमें इसका ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना, बहुत ही इसका गाढ़ा घोल बनाना है, जैसा कि मैं बना रही हूँ। अब इसको ऐसे ही रख देंगे 5 मिनट के लिए। और अब हम अपने सोयाबीन को देखते हैं कि इसके क्या हाल है। तो गाइस, हमारे सोयाबीन अच्छी तरीके से फूल गए हैं, ये देखिए आप। अब इसके बाद हम इसका सारा पानी निचोड़ कर इसको अपने बाउल में ऐड करेंगे इसमें। तो गाइस, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरा मिर्च। हमने 4 बड़ी हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरा मिर्च को। अब इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसमें हम अपने जो सोयाबीन है वो डालकर उसका सारा पानी निचोड़ कर सोयाबीन को डालेंगे, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। तो गाइस, हमने घोल को बिल्कुल गाढ़ा रखा है, क्योंकि हमारे सोयाबीन में भी थोड़ा सा पानी होगा, तो इसीलिए हमें अपने घोल को बहुत डार्क रखना है, जैसा कि मैंने रखा है। अब इसके बाद इसको अच्छी तरीके से कोट करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। इसके बाद आपको इसको ऐसे ही 10 मिनट तक रख देना है, ताकि इसका जो मैरिनेशन है वो आपस में एक दूसरे को पी ले और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गाइस, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने ऐड किया है हरा धनिया। तो गाइस, हमने हरा धनिया डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हरा धनिया डालने से हमारे सोयाबीन के पकौड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये गाइस, हम देखिए मिक्स कर रहे हैं। आपको भी हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि हमारे जो सोयाबीन है बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने इनको 10 मिनट तक मैरिनेट करके रखा है। तो इसको हल्के हाथों से ही आपको चलाना है। फिर इसके बाद हम अपनी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो गाइस, हमने अपने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने 250 ग्राम तेल को गर्म किया है। आपको भी अच्छी तरीके से इसको गर्म करना है हाई हीट पे,
इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपने पकौड़े। आपको एक एक पकौड़े आराम से डालने हैं जैसा कि मैं डाल रही हूँ। इसको पूरे को डालकर इसको 10 मिनट तक आपको पकाने हैं। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे हमें हल्के हाथों से पलटना है आराम से। और पलटने के बाद हमें इसे दूसरे साइड से भी 10 मिनट तक पकाना है। तो गाइस हमें इसे 10 मिनट तक पकने देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्रंची है, क्योंकि हमने इन्हें चावल के आटे के साथ बनाए हैं, बेसन के साथ नहीं बनाए हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। ये देखिए हमारे पकौड़े रेडी हैं, अब इसको हम सर्व करने वाले हैं। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो गाइस हमारे पकौड़े बन के रेडी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही क्रंची बने हैं। तो मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। तो ये लिया मैंने पकौड़ा और मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने क्रंची बने हैं। जैसा कि आप आवाज़ से जान सकते हैं कितने क्रंची बने हैं। तो गाइस अब इसे मैं चटनी के साथ खाने वाली हूँ। आप इसे मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।